कितने डिग्री सेल्सियस था? इसमें 0.6 है इसके अंदर। अच्छा, 0.6 डिग्री। नहीं, इसके बाद इसके में से निकाल के हम इसमें कर लेते हैं -40 के अंदर। ये -40 में आता है, ये उसके माइनस ऐसी के बाद निकाल के डोनर के सैंपल जो हम कलेक्शन करते हैं बैग का, उसमें से डोनर के सैंपल लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हैं, सब पेशेंट का सब ग्रुप पिक करते हैं, जिससे पता चलता है कि पेशेंट में कौन सा फिनोटाइप है और कौन सा नहीं है। ब्लड डोनेशन करना कितना जरूरी है हमारे जीवन के अंदर? ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ता है, उनको जरूर होता है ब्लड की। फिर ऐसे लोग हैं जिसका एक्सीडेंट होता है या और कुछ है जिसकी वजह से उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो बहुत जरूरी है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन पे। आज मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी में मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद में। तो ब्लड डोनेशन करने के बाद का जो प्रोसेसिंग है उसको किस तरह से फिल्टर किया जाता है, तो हमारे साथ में है भरत जी। है भरत जी, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। तो थोड़ा प्रोसेसिंग हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि किस तरह से ब्लड डोनेशन करने के बाद का क्या प्रोसेसिंग है, ब्लड कैसे कैसे किया जाता है? ब्लड डोनेशन, सर देखो, इधर ब्लड डोनेशन के बाद जो ब्लड देते हैं उसके बाद हम इसको प्लाज्मा में अलग करते हैं, उसको प्लाज्मा FFP बनाते हैं इसको, और सागम इसमें ले लेते हैं। उसके बाद वो प्लाज्मा जिसको चढ़ता है, ब्लड RCC ब्लड अलग हो जाता है इसमें, ये FFP बन जाता है जिसको चाहिए वो बन जाता है। ऐसे रीते होता है इसका, इसका प्रोसेस ऐसा होता है इसमें। ब्लड देने के बाद में ये होता है, ब्लड क्या चढ़ जाता है किसको, ब्लड की थैलेसीमिया लड़के उनको फ्रेश ब्लड चाहिए उनको, उनके लिए चढ़ जाता है जो 6 कलाक पहले के लिए आता है, और 6 कलाक के बाद FFP बन उसको FFP बनाते हैं हम लोग उसको, बराबर। और इसके बाद प्लेटलेट बनता है इसके अंदर जी, ये ब्लड छूटा होने के बाद हम प्लेटलेट बनाते हैं हम लोग। हाँ, ये प्लेटलेट बनता है ऐसा, ये प्लेटलेट बनता है ब्लड में से, ये ब्लड बनता है जिसको चाहिए वो ब्लड ले जाता है कैंसर, उसमें दर्दियों के लिए, कैंसर के लिए उनको। और इसके बाद हम इसको डिग्री में रखते हैं -21 के ऊपर रखते हैं इसको, 21.5 पे है। और उसके बाद हम इसको ब्लड को कनेक्शन करते हैं इसमें -6 पे, हम ब्लड ऐसे डोनेशन करते हैं इसमें। ये है यहाँ पे, ये होता है ये। हाँ, ये ब्लड हो जाने के बाद, प्रोसेस होने के बाद इसको रखते हैं माइस में, प्रोसेस होने के बाद। हाँ, जाते हैं हम लोग इसमें भी, जाते हैं इसमें भी, जाते हैं हम लोग इसमें जाते हैं, हम कलेक्शन करते हैं जिसको चाहिए वो हम इसमें चाहिए। ये चिल्ड होता है, ठंडक होता है। जरूर हम बंदों को भी निकल जाता है, ब्लड आ जाता है इसमें, अंदर ठंडा है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें? 0.6 है इसके अंदर, 6 डिग्री होता है इसके अंदर। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्रोसेसिंग होने के बाद, हैवी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग काफी हैवी रहता है। और इसके बाद हम माइनस FFP बन जाता है, तो माइनस हम 86 में रखते हैं हम लोग इसको, एक बरस के लिए होता है इसके अंदर। आ जाओ, इसमें FFP स्टोर होता है, ये यहाँ पे स्टोर होता है। हाँ, जिसको मैं जरूरतमंदों को चाहिए FFP चेता दे, FFP चढ़ा ले लेते हैं यहाँ से इसमें, ये होता है इसमें। और जो इसे क्रायो चाहिए तो हम इसमें से, हम FFP में से, ब्लड में से हम क्रायो बनाते हैं। हाँ, इसमें से हम, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम 86 में से निकाल के इसको, ये माइनस है AC है, ये माइनस AC है, और ये माइनस इसके बाद इसके में से निकाल के हम इसमें कर लेते हैं -40 के अंदर। हाँ, ये -40 में आता है, ये -40 में आता है। हाँ, उसके माइनस AC के बाद निकाल के आप देख पा रहे होंगे,
इतना हैवी वगैरह यहाँ पे कितना डिग्री तापमान रहेगा? ये -40 रहता है। ये -40 रशिया में जैसे ठंडी पड़ती है काफी बदलते है। देखना धीमे उतरना क्योंकि स्लिप हो जाता है। अभी आपने देखा काफी खतरनाक, मतलब इसको जो प्रोसेसिंग है ब्लड डोनेशन का, मतलब आज तक मैंने लाइफ में कई बार ब्लड डोनेशन किया लेकिन मैं तो सोचता है कि यार मैं अपने आप को प्राउड फील करता था, ब्लड डोनेशन कर दिया और मेरा काम हो गया। लेकिन आज जो मैंने दृश्य देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रशिया के अंदर जो ठंडी पड़ती है उस डिग्री की, मतलब वो एकदम बर्फीले वातावरण के अंदर इसको स्टोरेज किया जाता है। तो दोस्तों आप जो ब्लड डोनेशन करते हैं उसके बाद का प्रोसेसिंग काफ़ी हैवी होता है और आज मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी दिखा रहा हूँ। तो आप पूरा इसको देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जागरूक हो। भारत के अंदर 140 करोड़ की भारत में जनता जनार्दन है, उसमें से अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये जागरूकता अभियान चलाया है जिसमें से मेरा मानना है कि 140 में से अगर 120 करोड़ लोग भी अगर स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे तो हमारे देश में जितने भी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उन सबकी जान आप बचा सकते हैं। राइट सर? यस सर। तो आगे सर जो है हमारे साथ राजेश भाई प्रजापति आगे हमारे साथ में, वो पूरा आगे का डिटेल्स आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स में। राजेश भाई क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा पूरा ये जो है? जैसे फर्स्ट टाइम बेगो आती है वहाँ कैंप से पर यहाँ फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पर बैलेंस होता है इस तरह से, दोनों कंटेनर होते हैं जैसे यहाँ पे बैलेंस एक दूसरे का बैलेंस करना पड़ता है, सेम बैलेंस करके बैलेंस किया जाता है बेगो का सेम ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया, सर्वप्रथम जो है बैलेंस किया जाता है, बैलेंस हो गया एकदम परफेक्ट, मतलब इक्वल आना चाहिए। एक कंटेनर में दो चार बेगो होती है, फिर यहाँ से इस सेंट्रीफ्यूज में, ये सेंट्रीफ्यूज है इसमें एक सेंट्रीफ्यूज में 16 बेगो आती है मशीन के अंदर जो है। अच्छा, इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं सर? सेंट्रीफ्यूज सर, देखो सेपरेशन कंपोनेंट सेपरेशन, फिर यहाँ से स्टार्ट करने का जो जो चाहिए वो प्रोग्राम। इस प्रोसेसर को 70 मिनट लगेगी। 17 मिनट का ये प्रोसेसिंग होता है, फिर जब हो जाएगा तब इस तरह होगा। 17 मिनट का प्रोसेस होने के बाद फिर यहाँ से अलग होगा। बताया आपको ये प्रोसेस है, रेड सेल नीचे बैठ गया, प्लाज्मा वो ऊपर आ गया, आप एक यूनिट दे दो 3 जनों की जिंदगी बच सकती है। अच्छा, एक बार फिर से यही बात बोली, एक यूनिट कोई व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो 3 जनों की लाइफ सेव होती है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया और आपकी इस जानकारी से हमारे देश के काफी सारे लोग है वो जागरूक होंगे और ब्लड डोनेशन की ओर अवेयरनेस लाएंगे। अभी हम आ चुके हैं लैब के अंदर, लैब के अंदर किस प्रकार से कार्य होता है यहाँ पे मैडम है, मैडम से जानेंगे। मैडम नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? आरती। आरती जी, यहाँ पर किस प्रकार का कार्य रहता है ब्लड डोनेशन के बाद जो है लैब के अंदर क्या क्या कार्य होता है वो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को जो है दर्शक मित्र उनको बताएंगे। यहाँ पे ग्रुपिंग होता है, डोनर जो ग्रुप डोनर के ग्रुप होते हैं यहाँ पे, ये दोनों मशीन है ग्रुपिंग के, जिसमें पेशेंट का फॉरवर्ड रिवर्स होता है जिससे पता चलता है कि पेशेंट का ग्रुप कौन सा है। डोनर के सैंपल जो हम कलेक्शन करते हैं बैग का, उसमें से डोनर के सैंपल लेते हैं, फिर वो यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। ये दोनों डाइकास्ट के मशीन है, जिसमें पेशेंट के ग्रुप होते हैं, सॉरी डोनर के ग्रुप होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स होता है। और हम एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं कि पेशेंट को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हैं, सब पेशेंट का सब ग्रुप पिक करते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट में कौन सा फिनोटाइप है और कौन सा नहीं है, तो हम वो भी करते हैं यहाँ पे। और मैडम एक सोशल मैसेज भी हमें देना है, भारत के 140 करोड़ की जनता है उसमें से मेरा मानना है 50% लोग भी ब्लड डोनेशन नहीं करते होंगे, ये मेरा निजी अनुभव है, तो उनको एक क्या मैसेज देंगे कि भी ब्लड डोनेशन करना कितना जरूरी है हमारे जीवन के अंदर? ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ता है, उनको ज़रूर होता है ब्लड की,
फिर ऐसे लोग हैं जिसका एक्सीडेंट होता है और कुछ है जिसकी वजह से उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़रूरी है ब्लड डोनेशन। और कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि भी ब्लड डोनेशन करने से कमजोरी आती है या फिर खून पतला हो जाता है, क्या ये सही बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब लैब में कार्य करने वाले मैडम ने स्वयं बोल दिया है कि भी ब्लड डोनेशन करने से खून पतला नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं आती है, तो घबराइए मत दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आप पधारिए, आप सभी का वेलकम है, ब्लड डोनेशन कीजिए और देश सेवा के अंदर अपना योगदान जरूर दें, रक्तदान करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया, आपको थोड़ा बीच में डिस्टर्ब भी किया, कोई नहीं, आप अपना कार्य कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैडम, आपने भी कभी लाइफ में ब्लड डोनेट किया है? हाँ, मैंने भी डोनेशन किया है, 4 to 5 times किया है। कैसा रहा आपका अनुभव, आपने 4-5 बार जो है ब्लड डोनेशन किया, मतलब कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है कि हम किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवा गर्ल्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, ब्लड डोनेशन करना चाहिए? ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, हर 3 महीने के अंदर करना चाहिए। तो मैडम ने ब्लड डोनेशन कर दिया है, 4-5 बार किया है, तो दोस्तों देर किस बात से, जल्दी से आप भी ब्लड डोनेशन के लिए, रक्तदान महादान, हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।